डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एपी वर्क पड़पे पाकड़ो इोड सर्किट डायग्राम इंत वरजी पटर ओके सर्किट डायग्राम की पापो फर्स्ट वो एयर फोर्स एयर फोर्स स्लाइडिंग वाल्व एयर वो स्लाइडिंग वाल्व स्लाइडिंग वाल्व एफआरएल यूनिट एफआरएल यूनिट पाती फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर इत मूणु सर्दा एफआरएल यूनिटा अदक पाती थ्री बै टू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के एयर पोल सिंगल एक्टिंग सिलिंडर के एयर पोव ओके थ्री बै टू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पातीना इंटरद थ्री पोटर इनलेट आउटलेट एग्जॉस्ट टू वो रेसीशन प्रांग थ्री बै टू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सुलरा ओके एयर वो सिंगल एक्टिंग सिलिंडर के पवन पिस्टन पड़ो फ्रंट स्टोक वो पिस्टन वर्ग तिरपी एयर फोर्स कट पड़ीना इंक स्प्रिंग मूल्यों को रिटर्न स्टोक पढ़ नीम के सिलिंडर वो इतक वो प्रसिंग आप्रेशन सिंगल एक्टिंग सिलिंडर वो यूस पड़ा अप्लिकेशन पाती ओके इतमी न्यूमाटिक पाती सिंगल एक्टिंग सिलिंडर एपी वर्क सर्किट डायग्राम पाता अद सिंगल एक्टिंग सिलिंडर वो एपड़ी बोर्ड कनेक्ट पड़ी वर्क पड़े और डेमोव पापो इतनी यूस पड़पुर पातीिका न्यूमाटिक ट्रेन कीटे यूस पड़पर पाती नया टाइप आफ वाल्व सिलिंडर नम्बर सिंगल एक्टिंग सिलिंडर वर्क आगदा वाल्व यूस पड़पर अट्ठा कनेक्शन को अगर कनेक्शन को पाती पालिथ्रीन ओफ यूस पड़पो इत वो फोर एम एम डायमीटर ओफ इतना कनेक्ट पड़ मुझे वो नाइप डयमीटर ओफ वो इत वो फोर एम एम पता सिक्स टेन एट नया डयमीटर नम्बर यूस पड़पुर फोर एम एम डयमीटर ओफ वो कनेक्ट पड़ी रन पड़पर अद्क न्यूमाटिक यूस पड़ा मुख्यमान पाती कंप्रेसर कंप्रेसर न्यूमाटिक आप्रेट पड़ो अनाल कंप्रेसर वह हेर वो रोम वाल्वको कंप्रेसरे एपी वर्क मोदी डेमो पात्र कंप्रेसर पाती एलक्ट्रिकल मोटर एलक्ट्रिकल मोटरों टू सिलिंडर वो कनेक्ट पड़ी और बेल्ट कुत्पा एलक्ट्रिकल मोटर रन आफना रे पिस्टन मूवमेंट आगो सेक्शन आगे डेलिवरी आगे अट्मास्फियर एरे वो सिलिंडर वो सेक्शन पड़ी कंप्रेसर पड़ी तिरपी पड़ोना टैंक वो स्टोरेज पड़ो इत वो सैकल वो कंटिन्यू रन आने रन आफलो टैंक वो एर वो स्टोरेज आगे ओके फे स्टोरेज आने कुछ लेवल वर्दा कट आफ स्विच कुत्पा एलक्ट्रिकल अब वो मोटर वो आफ आशर वो करेक्टा मेन पड़ो इत वेशर रिलीफ वाल वो ओवरफ्लो प्रेशर आवाड़ों वे प्रेशर रिलीफ वाल वा कट आफ एलक्ट्रिकल कंट्रोल वा हेर कमी आगे तिरपी आटोमेटिका मोटर वो तिरपी रन आरपी वो हेर वो स्टोरेज आने स्टोरेज आगे पड़े नाम न्यूमाटिक यूस पड़पर स्टोरेज एयर न्यूमाटिक यूस पड़पर इतर पाती सुन एर वर फोलोन डस्ट वाटर अब मिक्सा वो अद्क वो अगर फिल्टर यूस पड़ो न्यूमाटिक ट्रेनर किट पापो फिल्टर पी इतना कंप्रेसर एयर वो स्टोरेज पड़ी वे यूस पड़ रहा न्यूमाटिक ट्रेनर किट पाती सिंगल एक्टिंग सिलिंडर एपी रहा पाकपर अदाना कामेंट पाकपर मिनी बाल वाल यूस पड़पो अदक पाती एफआरएल यूनिट यूस पड़पर एफआरएल यूनिटक थ्री बै टू डायरेक्शन कंट्रोल वाल यूस पड़पर अदक सिंगल एक्टिंग सिलिंडर यूस पड़पर ओफ कनेक्शन वो एपड़ा मीन मिनी बाल वाल्वल एफआरएल यूनिट एफआरएल यूनिटल थ्री बै टू वाल्व थ्री बै टू वाल्वल सिंगल एक्टिंग सिलिंडर नंब कनेक्शन को कनेक्शन को ओफ वे पापो मिनी बॉल वाल फिट पड़ो एफआरएल यूनिट फिट पड़िया अदक पाती एफआरएल यूनिट इन सैडल इध इनलेट
மினி பால் வால்வுலேருந்து எஃப்ஆர் யூனிட்டுக்கு வந்து ஏர் ஃபோர்ஸ் போகும். ஏர் வந்து சுத்தமாக இருக்காது, கம்ப்ரஸில் இருந்து வர ஏர் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்காது, டஸ்ட்டும் இருக்கும், வாட்டரும் இருக்கும். அது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இடம் வந்து ஃபில்டர். ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்டர் பண்ணோம். ரெகுலேட்டர் நம்ம வந்து எவ்வளோ தேவையோ இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ப்ரெஷர் தேவையோ அவ்வளோ ரெகுலேட் பண்ணி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ஏர் தான் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு போவோம். அது வந்து 4 5 பார் வந்து ப்ரெஷர் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிலிண்டருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேட்டர், வர ஏரை வந்து ஆயில் மூலமாக லைட்டாக மிக்ஸ் ஆகிட்டு லூப்ரிகேட் பண்ணோம். இது எதனால் லூப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, வால்வில் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதுக்கோசம் ஆயிலில் வந்து ஏர் வந்து ஆயிலில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு யூஸ் ஆகுது. 3x2 வால்வு, இன்லெட்டு அவுட்லெட்டு இது எக்ஸாஸ்ட்டு, ஏர் வந்து இது மூலமாக வரும். வந்த பிறகு புஷ் பட்டன், 3x2 புஷ் பட்டன் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வு. இது எப்போ நம்ம புஷ் பண்ணுறோமோ அப்போ ஏர் வந்து இந்த சைடு வந்து பிஸ்டனை வந்து ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரோக்கு தள்ளும். கை எடுத்துகிட்ட பிறகு ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு வந்து இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டருக்குள்ளே. அது ஸ்ப்ரிங்கை அழுத்த சொல்ல என்ன ஆகும், மீதி உள்ள இங்கே ஏரை வந்து ரிட்டர்ன் இது மூலிமா வந்து திருப்பியும் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு மூலிமா வெளியில் வந்துடும். ஏர் காற்று வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டு வெளியில் அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும் காற்று, சரிங்களா. இப்போது கம்ப்ரஸரில் இருக்க வால்வை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணி ஏர் வந்து கொண்டு வரும். கம்ப்ரஸரில் வால்வ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஏர் வந்து வருது, மினி பால் வால்வுக்கு வருது. மினி பால் வால்வில் இருந்து உங்களுக்கு எஃப்ஆர் யூனிட்டுக்கு போகுது. ப்ரெஷர் காட்டுது பாருங்கள், ப்ரெஷர் காட்டுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் வந்து லூப்ரிகேட் ஆகிட்டு திருப்பியை வந்து 3x2 வால்வ் வரையும் இது வரையும் வருது. இப்போது இது வரையும் ஏர் ஃபோர்ஸ் வந்து வந்து நிற்குது. இப்போ நான் எப்போ நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறனோ இந்த புஷ் பட்டனை 3x2 டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வில் நான் எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறனோ அப்போது பிஸ்டன் வந்து எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரோக் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. இப்போ நான் இது கையை எடுத்துனா ஏர் கட் ஆகிடும், கட் ஆகிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் மூலிமா ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போயிடும். இதுதான் சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டர். திருப்பியும் புஷ் பண்ணுறேன், கையை எடுத்துட்டேன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்கு ஸ்ப்ரிங் மூலிமா அதுவாக ரிட்டர்ன் பழைய பொசிஷனுக்கு சிலிண்டர் வந்து போயிடும். இது ப்ரெஸ்ஸிங் ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டரை. எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம்.